नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में हुई हिंसा में 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, कई सौ घायल हैं, 1300 लोग पुलिस की हिरासत में। रिलीफ ऑपरेशंस के नाम पे कई चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं और दिल्ली सरकार के रोल पे साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो सीधा सीधा होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर में आती है, उस पर भी कई सवाल उठे हैं। CPIM की पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट किया गया कि वो जो 1300 लोग अरेस्ट हैं उनके नाम को सार्वजनिक किया जाए। दिल्ली सॉलिडारिटी रिलीफ कमेटी, रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ कमेटी के साथ CPIM की पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात जुड़ी हुई हैं और इन्हीं सब मुद्दों पर आज वो हमारे साथ बात करेंगे। वृंदा, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं वहाँ पे, आप लगातार पिछले कई दिनों से उन इलाकों का दौरा कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो रिलीफ का वहाँ पे अभी क्या सिचुएशन है? क्या लोगों को जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जा रही हैं या नहीं हो रही हैं? देखिए, रिलीफ के अलग अलग पहलू हैं। जहाँ तक एक्चुअली कॉम्पनसेशन का सवाल है, अभी दिल्ली सरकार का रवैया मुझे ऐसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो पीड़ित है या जो परिवार अभी दुख में ऐसे ज़बरदस्त तरीके से ट्रॉमेटाइज है, वो सरकार के दफ्तरों के चक्कर काटे। अब ये तो बिल्कुल कि कौन सा ये राहत का तरीका है? कम से कम सरकार के जो ऑफिसर्स हैं या वहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स, जो मंत्री हैं या उनके जो MLAs हैं, उनको ही घरों में आकर सरकार का जो भी, एटलीस्ट जहाँ इंजर्ड लोग हैं या जो परिवार के कोई सदस्य की इसमें जो है मृत्यु हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहले बात यह है, उनको अपना रवैया बदलने की, बुनियादी रूप पे रवैया की लोग वहाँ ना जाए, सरकार को वहाँ पहुँचने की सख्त ज़रूरत है। हम लोगों ने केरल में भी देखा था, वो तो एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन फिर भी केरल सरकार लोगों के पास गई, लेकिन ये लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं और कितने चक्कर काटेंगे, इसलिए कॉम्पनसेशन देने में एक बहुत भारी कमी है। इसके साथ साथ जहाँ घर जलाए गए हैं, जहाँ लोग बेघर हो गए हैं, वहाँ क्या हो रहा है, हमारी टीम्स जब जा रहे हैं कॉम्पनसेशन फॉर्म भरने के लिए, लोग तो हस्ताक्षर कर रहे हैं और बता रहे हैं ये नुकसान हुआ है, लेकिन जब तक उसकी सरकारी तरफ से वेरिफिकेशन नहीं होता है और जब तक वहाँ मोहर नहीं लगती सरकार की, लोग अपने घरों के अंदर सफाई वगैरह कर नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बातचीत करके बताया, देखो अगर वो कुछ कर। जब आपने कॉम्पनसेशन की बात की तो उस पर एक बड़ा मुद्दा ये भी सामने आ रहा है कि कॉम्पनसेशन तब तक दिल्ली सरकार देने को तैयार नहीं जब तक FIR की कॉपी आप साथ में ना दें। तो ये FIR रजिस्ट्रेशन में भी शायद प्रॉब्लम दिल्ली पुलिस की तरफ से हो रही है, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। नहीं, एग्जैक्टली ये बात नहीं है FIR के साथ जुड़ी हुई, अभी वो सीधा वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो वो अभी नहीं हो रहा, वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा। FIR की बात तो दूर है, वो तो एक अलग दिल्ली पुलिस का जो पूरा रवैया, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्पनसेशन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लाल फीतेशाही में अभी जुड़ी हुई है, उससे निकालने के लिए हमारा पूरा प्रयास है, मदद भी करें, अपना सर्वे भी करें, क्योंकि देखिए हकीकत यह है, वो पूरा इलाका का अगर आप सोशियो इकोनॉमिक तस्वीर देखते हैं, सब असंगठित क्षेत्र के हैं, सब दैनिक मजदूरी पर अपने वो जिंदा है। तो ऐसे क्षेत्र में जब इतना ज़बरदस्त हमला होता है जीविका पर, तो डिस्ट्रेस बहुत वाइड स्प्रेड है जी। ये जो आप कमेटी लगातार वहाँ पर सर्वे कर रही है, अगर उसके कुछ जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं वो क्या हैं? कितना जानमाल का नुकसान है, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों का डिस्प्लेसमेंट लगता है वहाँ पर? अभी दरअसल उसका पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है हमारे सर्वे का, लेकिन हम ये तो ज़रूर कह सकते कि कुछ इलाके हैं जहाँ पूरा मतलब शॉप्स भी जलाए गए हैं, होम्स भी जलाए गए हैं और मूवेबल प्रॉपर्टी भी जलाए गए। पहले दिल्ली सरकार के फॉर्म में मूवेबल प्रॉपर्टी, जो घरों के अंदर सामान था, उसका कोई वहाँ लिस्ट नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने उसको सुधारा है और उसको भी उन्होंने जोड़ा है। तो अभी वो फाइंडिंग्स का जो कंक्लूजन्स है, अभी 2-3 दिन में हम दे पाएंगे, क्योंकि अभी लगभग हमारे 500 से अधिक हमारे पास वो डेटा आ चुका है जी। अगर हम
बात जब लगातार कॉम्पनसेशन की और दिल्ली सरकार की कर रहे हैं, तो जहाँ तक रिलीफ ऑपरेशन सेटअप करने की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार ने इसमें देरी की, क्योंकि बहुत प्रेशर बनने के बाद ही एक प्रोएक्टिव रोल दिल्ली सरकार ने इसमें लिया है? देखिए, अगर आप दिल्ली की रिलीफ कैंप्स की बात करें, जो मेन हकीकत यह है कि उन्होंने ऐसे रिलीफ कैंप्स बनाए हैं जो उनके इलाके से बहुत दूर है, और ये भी हकीकत है, मतलब मुझे कहने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आज जो कम्युनिटी सबसे अधिक, माइनॉरिटी कम्युनिटी प्रभावित हुआ है, सिक्योरिटी के लिए अभी वो दूसरे इलाके में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर रैन बसेरा वगैरह सब बाहर हैं, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी वो ईदगाह के मैदान में है जो खुले आसमान के, और अभी बारिश हो रही है, इतना बुरा हाल है वहाँ, सोचा नहीं जा सकता है। वहाँ सैनिटेशन वर्कर, मुझे तो सच में डर हो रहा है कि वहाँ कोई एपिडेमिक ना हो, क्योंकि सैनिटेशन का इतना बुरा हाल है। लेकिन अभी लोग मजबूर है, आप देखिए कल एक छोटा बच्चा का पैदा भी वहीं हो गया है, वहाँ वो न्यूली बॉर्न बेबी जो है वो वहाँ उस कीचड़ में पड़ा हुआ है। तो नेचुरली दिल्ली गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि प्रशासनिक रूप में बहुत कमी रही है। और जब इन सारे सुविधाओं की हम बात करें, स्पेशली सैनिटेशन, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ पे महिलाओं पे पड़ रहा होगा, लाजमी है। आप सोच नहीं सकते वहाँ महिलाओं की क्या हालत है। वह बताइए, वहाँ कोई टॉयलेट का कोई सही वो नहीं है, पर्दा के पीछे जो है ना कोई छोटी सी जगह बनाएगी। मैं समझ सकती हूँ कि पहले दिन ऐसे हो, लेकिन जितने मोबाइल टॉयलेट्स हैं, जितने तोते, हम लोग भी जब कोई रैली करते हैं हम ही लोग वो पूरा इंतज़ाम करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि विजिट्स के अलावा वहाँ पोस्टिंग हो, 24 घंटा पोस्टिंग हो, तभी कुछ सुधार हो सकता है। हालांकि हम लोगों ने इसका सुझाव दिया, अब लोग उसके साथ जो है ना, जो प्रशासनिक, मैंने कहा, लोग कहते हैं नहीं ये तो राजनीतिक है, वो चाहते नहीं है ये सब करने का। मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं ऐसे बात रखूँ जो बहुत सारे लोग रख रहे हैं, लेकिन हाँ अभी तो मैं कहूँगी कि अभी भी समय है, उनको तुरंत करना चाहिए, जो इतने दिनों का 10 दिन हो गए, बहुत कमी रही है। ये जो आपने हाईकोर्ट में PIL फाइल किया, हम दिल्ली पुलिस के रोल के बारे में बात करते हैं, दो बड़े सवाल उठते हैं यहाँ पे। एक, कि अगर इतने बड़े लेवल पे फ़ोन कॉल्स जा रहे थे दिल्ली पुलिस को, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया, पहला सवाल ये। मैं आपको बताऊँ, हम तो सभी जगह गए और हम दोनों कम्युनिटीज़ के बीच गए जहाँ हिंदूज प्रभावित हुए, क्योंकि 24 तारीख को हकीकत यह है कि ये कपिल मिश्रा गैंग जो है ना, जब उन्होंने इस प्रकार की उकसाने की बात की, तो पहला और मुख्य जो प्रोटेस्ट साइट्स टारगेट में थे, तो महिलाओं की वहाँ जो जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट साइट्स थे वहाँ अटैक्स हुआ, वहाँ पथराव हुआ, वहाँ, और उसके बाद रिटेलिएशन भी हुआ। तो उस रिटेलिएशन में दोनों कम्युनिटीज़ प्रभावित हुए, जो पहला दिन था, और पहले दिन ही बहुत सारे इलाके हैं जो वहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदूज रहते हैं, वहाँ वो भी प्रभावित हुए हैं, उनकी भी दुकानों का, उनका भी प्रॉपर्टी का वहाँ नुकसान हुआ। तो मैं दोनों तरफ गई थी, और मैं आपको बता रही हूँ ये दोनों इलाके में जहाँ मैं गई, सभी का ये एक ही सवाल था 24 तारीख का, कि हम इतने डिस्ट्रेस कॉल्स के पुलिस नहीं पहुँची। 25 के बाद एक तरफा था, एक तरफा पुलिस दंगाइयों के साथ मिलकर टारगेट करके माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को उन्होंने, मतलब खुलेआम उन्होंने वहाँ दंगा करवाया, हिंसा करवाई और अटैक किया। अभी हम देख रहे हैं पुलिस कह रही है हमारा पूरा सिस्टम ही इतना प्रेशर नहीं ले पाए, वो पूरा सिस्टम कलेप्स हुआ। जब हम MLC को देखते हैं, हम देखते हैं कि MLC 1 तारीख को है, और जब वो जो हम पुलिस थाने में जाके चेक करते हैं और वो FIR लेते हैं, वो कहते हैं कि कंप्यूटर हैंग हो गया, इसलिए हम FIR दर्ज नहीं कर पाए सही टाइम पर। तो ये दिल्ली पुलिस का जो पूरा रवैया रहा, हाँ एक कैवियट ज़रूर है, मतलब एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, ऐसे बहुत ऑफिसर्स थे जो सही तरीके से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे बहुत दुख है इस बात को कहने के लिए
लेकिन ये कम्युनलाइज्ड हो गया है। आपने अमित शाह को एक लेटर भी लिखा और समय मांगा उनसे मिलने के लिए, क्या उस पर कोई जवाब आया है आज तक? एक लाइन आ गई है कि हमने आपका चिट्ठी देखा और हमने देखा वो हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? सारा कुछ तो हो गया एक्शन। हमने कहा अनुराग ठाकुर उसको करो जो हेट स्पीच वाले हैं, लेकिन आपने वो जो पटिशन के बारे में जो आपने पूछा, इसमें तीन चार बातें। एक तो ये 41C का, 41C CRPC का एक धारा है जिसके तहत आपको पुलिस कंट्रोल रूम्स में और हर थाने में जिनको आपने गिरफ्तार किया, कौन से केस में गिरफ्तार किया, आपको लिस्ट देना है। क्यों हमने ऐसे कहा है? क्योंकि अभी एक शक हो रहा है कि आप एक तरफ का ही गिरफ्तारी कर रहे हैं, और जब हमने एक थाने में जाके हमने लिस्ट ली दयालपुर थाने की जो बहुत प्रभावित इलाके के हैं, 27 केसेस ऑफ अरेस्ट में 26 केस में एक तरफा माइनॉरिटी कम्युनिटी का ही है, जबकि उस पूरे इलाके में अधिकतर जो है माइनॉरिटी घरों को ही जलाया गया और उनका संपत्ति। इसलिए हमने कहा कि आप बताइए हमें, और इसलिए भी कहा क्योंकि माइनॉरिटीज़ में ये शक है। अब अगर हमें वहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप करके कहना कि नहीं ऐसा नहीं है, तो हमें वो फैक्ट्स चाहिए, वो फैक्ट्स भी हमें नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, तो हम पॉलिटिकली हम कैसे उसका काउंटर करें? जो संदेह है, जो दुख है, जो गुस्सा है, वो कैसे आप बातचीत कर सकते हैं नॉर्मलसी के लिए जब तक आपके पास फैक्ट्स नहीं है? नॉर्मलसी हमारा मेन पॉइंट ये है, नॉर्मलसी कायम करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जो मेन है उनके ऊपर जब तक जनता का कॉन्फिडेंस नहीं होता है कुछ नहीं हो सकता। आप ठेले वाले को कहिए, वो कहेंगे हम उस इलाके में जा नहीं सकते क्योंकि पुलिस साथ नहीं देगी। आप एक औरत को कहते हैं कि उनको अस्पताल जाना है बच्चों को लेकर, कहती है सरकारी हॉस्पिटल में जा नहीं सकती क्योंकि हमें पता नहीं क्या हालत होगी। तो एक खौफ है वहाँ पूरे इलाके में। और इस पूरे दंगों के बाद पुलिस के ऊपर जो थोड़ा बहुत विश्वास था अभी दिल्ली में, वो भी शायद उठ गया है अब। एग्जैक्टली, क्योंकि जितने वीडियोज आए हैं पुलिस की हिस्सेदारी के, और विशेषकर उस केस में जो आपके तमाम दर्शकों ने देखा होगा, आप दिखाइए उनके उनको जिसमें वो 5-6 लड़के इंजर्ड लड़के और पुलिस मार के बोल रहे जन गण मन गाओ और आज़ादी आज़ादी ये बोलो, और उनको जो है टोंट कर रहे हैं। तो वो मैं 5 लड़कों में से 4 मिले और एक के परिवार से मैं मिली, क्योंकि फैजान उसका तो डेथ हो गया था, पुलिस कस्टडी इतना क्रिटिकल हो गया था, फिर भी थाने में बंद था। आप बताइए, वो थाने में बंद था और जब क्रिटिकल हो गया तभी उनको अस्पताल लेकर गए, तो उसमें भी FIR दर्ज नहीं है पुलिस के खिलाफ। मैंने हाईकोर्ट से अर्ज़ की है कि देखिए नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए जो इस प्रकार के पब्लिक डोमेन में सारे जो वीडियोस आ रहे हैं, कम से कम कुछ FIR आप पुलिस के खिलाफ दर्ज कीजिए ताकि लोगों का विश्वास हो कि पुलिस ने मेरे साथ जो किया, जो स्टेट स्पॉन्सर रहा है, जो स्टेट का पूरा हिस्सेदारी है, उस पर स्टेट तो कुछ करे। लेकिन नहीं, उसके बारे में मुझे, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसकी कोर्ट मॉनिटर हो, एक मैकेनिज्म हो कि लोग जाके बोले। फैजान की माँ डर रही है, कल भी मैं मिली, उन्होंने कहा नहीं अगर मैं करती हूँ तो कल मेरे दूसरे बच्चों के ऊपर पुलिस हमला करेगी। तो वृंदा, एक बड़ा सवाल ये भी रहा है कि अगर प्रशासन और पुलिस चाहे तो किसी भी दंगे पे काबू पाया जा सकता है, तो क्या ये कहना सही होगा कि ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार, जो होम मिनिस्ट्री जिसके अंडर दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर आता है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर आता है, और दिल्ली पुलिस इनकी नाकामयाबी थी, या फिर एक टैसिट सपोर्ट था? देखिए, अमित शाह का एक एजेंडा 100% था। दिल्ली के चुनाव में वो हार गए और उन्होंने पूरे दिल्ली के चुनाव में वो नफरत की बीज बोए, और आज जो फल निकल रहा है उसका, वो सोचते इसको भी हम काट के हमारा राजनीतिक फायदा हो। इसलिए उन्होंने अपनी चुनावी हार को वैचारिक जीत में बदलने के लिए, उनका जो हिंदू मुसलमानों की विभाजन करके राज करने की जो उनकी नीति है उसको लागू किया। वरना आप बताइए, 24 तारीख को खुलेआम शुरू हो गया, कहाँ थी पुलिस? अगले दिन पुलिस दंगाइयों के साथ थी, कहाँ था होम मिनिस्टर?
कहाँ थे होम मिनिस्टर? कहीं भी नहीं। तो मैं कहती हूँ हर 100% ये अमित शाह के नेतृत्व में, और मैं बिल्कुल सोच समझ कर ये बात कह रही हूँ, अमित शाह के नेतृत्व में ये सब हुआ, कहीं पुलिस नहीं थी। और ये तब हो रहा है जब आपके भाजपा के कई नेता, जिसमें यूनियन मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे दिल्ली में, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। उनको सिर्फ एक्शन नहीं लिया गया प्रांजल, उनको तो डिफेंस के लिए खड़े हो गए, तो हाईकोर्ट में ही उनके डिफेंस के लिए। मेरा एक पिटिशन है अनुराग ठाकुर और परवेश मिश्रा को गिरफ्तार करने का, मतलब क्या परवेश वर्मा, वो FIR दर्ज करने के लिए। आप बताइए दिल्ली पुलिस ने क्या जवाब दिया? गोली मारो एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कोई जुल्म नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि सब शाहीन बाग के लोग तुम्हारे घरों में घुसकर बलात्कार करेंगे, वो कोई सांप्रदायिक भड़काने वाली बात नहीं है। दिल्ली पुलिस का, मेरे पास वो पिटिशन का कॉपी है, मुझे लगता है कि ये एक मिसाल बनेगा वो पिटिशन का जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, जिसमें वो इस प्रकार की खुलेआम डिफेंस में आ रहे। कैसे करेंगे जब तक उनकी लीडर्स की, क्योंकि ये तो बड़े लोग हैं ना अनुराग ठाकुर एंड MP, तो जब तक उन्होंने सलाह नहीं की होगी पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर ने LG से और LG ने अमित शाह से, जब तक वो पूरा चेन नहीं चलेगा तब तक। और आपने सुना मोदी जी एक भी शब्द उनके खिलाफ बोले हैं? इनडायरेक्टली बोल रहे, वी डिसअप्रूव। अरे तुम्हें शर्म नहीं है? डिसअप्रूव। हर्ष मंदर के खिलाफ तुम जाके, तुषार मेहता जाके जितना मर्जी बोलता है, और यहाँ तुम कुछ भी नहीं करोगे। एक तरफ हर्ष मंदर और इन बाकी लोगों के खिलाफ आप पूछ रहे हैं कि सेडिशन का चार्ज क्यों नहीं लगाना चाहिए, और दूसरी तरफ कपिल मिश्रा कनॉट प्लेस में एक रैली निकाल रहे हैं जो तथाकथित पीस मार्च है, जिसमें ऐसे भड़काऊ भाषण लगाए जा रहे हैं, पर उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, तो ये पॉलिटिक्स है, ये सीधा सीधा पॉलिटिक्स है। आज भी आप देखिए दो मीडिया चैनल्स पर जो हुआ, एक का तो उन्होंने खोल दिया क्योंकि सब जानते हैं उनका क्या पॉलिटिकल पेट्रोनेज है, लेकिन उन्होंने कहा RSS के खिलाफ सरकार का एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप RSS के खिलाफ बोले। हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम RSS के खिलाफ हम खुलकर बोलेंगे, हम हर चैनल पे बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? जब वो गलत कर रहे हैं तो हम बोलेंगे। एक जो डेवलपमेंट है वो पार्लियामेंट में भी देखने को मिला कि आपके स्पीकर कह रहे हैं कि आप होली के बाद राइट्स डिस्कस कीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है, और आप भी एक पार्लियामेंट मेंबर रही हैं, क्या पार्लियामेंट्री इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। आज़ाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री बहस में, इवन इमरजेंसी के दौरान जब कुछ नहीं था, हमारे AKG खड़े होकर वहाँ बोलने का जो है उन्होंने की। लेकिन अभी देखिए, वो कहते हैं कि आप इंजॉय करो होली, और उसका सीधा प्रभाव उन पीड़ितों पर पड़ा है जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पछता रहे हैं उनके जहरीला भाषणों का। और अब पार्लियामेंट में भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और स्पीकर साहब ने वो तो शपथ लिए निष्पक्षता की, लेकिन स्पीकर साहब ने एकदम पक्षपात के रूप में उन्होंने वहाँ ये फाइंडिंग दिया और ये कहा कि हम नहीं होने देंगे बहस। तो स्पीकर साहब को सोचना चाहिए ना कि जो वहाँ पीड़ित लोग हैं वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि पार्लियामेंट में मेरी बात उठेगी। वो औरत सुनीता जो रिक्शा वाले की बीवी है, जिसके हस्बैंड रिक्शा लेकर कहीं गया था, बाद में उसके नाले में उसकी शव मिला था, वो क्या वो सोच नहीं रही थी कि मेरे साथ जो हुआ है? फैज़ान की माँ नहीं सोच रही थी कि भाई मेरे बारे में कुछ पार्लियामेंट में कुछ लोग बोलेंगे? बिंदा, एक ये आखिरी सवाल होगा कि एक तो ये पूरे बात हो गई कि चुनावों के बाद जो आपने कहा वैचारिक जीत में बदलने की कोशिश थी, पर क्या इसके कुछ ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस भी हैं, क्योंकि इसी साल आपका बिहार में भी चुनाव होने वाला है? देखिए, ब्रॉडर इम्प्लीकेशन निश्चित रूप पर है, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि आर्थिक मंदी के आधार पर उनकी नीतियों का दिवालियापन रोज निकल रहा है। अभी यस बैंक का देखिए क्या उसका हुआ। तो वो इस पूरे सवाल को किसी भी तरह अपनी जिम्मेदारी को छिपाने के लिए वो अपना जो सांप्रदायिक एजेंडा है उसको सामने लाना चाहते हैं। और शुरू से ही दिल्ली के चुनाव ने साबित किया
कि और कोई एजेंडा इनके पास नहीं है, वो खुलकर अपने, उसकी दो बात है, एक सिर्फ डाइवर्जरी नहीं है क्योंकि ये उनका असली एजेंडा है ही, लेकिन आज जो वो खुल के कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बाकी जो उनका विकास का एजेंडा है वो तो चौपट एजेंडा है। सभी कहते कि अरे आगे विकास, भाई मुझे इससे अच्छा विनाशी आप बोल दीजिए क्योंकि ये विकास विनाशी है। तो ये बातें हैं, तो ये हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसके इम्प्लिकेशंस बहुत सीरियस है। अब दूसरे लोग इसको किस रूप में समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत दुख है इस बात की कि जहाँ आपने दिल्ली सरकार की बात की, जहाँ आपने बीजेपी और आरएसएस की, एक दूसरा दल है यहाँ कांग्रेस का, लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के लीडर्स जिस रूप में जुटना चाहिए या पॉलिटिकल एक स्टैंड लेकर, सिर्फ वहाँ जाके आप और बीजेपी को इक्वेट करने का क्या तुक है, आप बताइए कोई तुक है इस बात की? लेकिन उनको इक्वेट कर लिया, आलोचना अपनी जगह है सरकार की, जैसे हम लोग भी कर सकते हैं, आपने पॉलिटिकली इक्वेट कर लिया और आप खुद ही ज़मीन पर बिल्कुल नहीं हैं, तो बहुत कठिन है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने कार्यकर्ता, जितने सोशल मूवमेंट्स, अलग अलग लोग जिस रूप में जुटे हैं, इससे स्पष्ट है कि दिल्ली के आम लोग कतई सांप्रदायिकता और ये विभाजन नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। और ये साबित हो रहा है जिस रूप में वो लोग सब आ रहे हैं सामने हमारे साथ जुड़ के काम करने में। मैं समझती हूँ कि ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव ये भी है कि जहाँ जहाँ हम गए हमारे पास ऐसे डायरेक्ट स्टोरीज पीड़ितों के ज़बान पर दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने हमें कैसे बचाया। तो आम ज़मीन पर एक है भाईचारा, लेकिन उसको तोड़ने का कुछ हद तक ये लोग सफल हुए। बिंदा, CPIM की तरफ से और दिल्ली सॉलिडरिटी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमेटी की तरफ से कोई एक अपील जो आप दर्शकों के लिए और जनता के लिए करना चाहेंगे? जी, मैं तो कहूँगी कि एक तो पॉलिटिकली हमें इसकी फाइट लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है कि हम याद रखें कि आरएसएस और जहरीला जो उनकी नीति और समझ और विचार है उसके खिलाफ सबको मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात, विशेष स्थिति में आप लोगों ने जो मदद की, बहुत धन्यवाद। जो और मदद अगर आप कर सकते हैं वो हर पीड़ित के पास हम लोग पहुँचने का, हम घर घर जा रहे हैं पहुँचाने के हम प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों चीज़, एक ये कम्युनल पॉलिटिक्स और उसकी टॉक्सिक एजेंडा के खिलाफ एक होकर हम लोग लड़े, और दूसरी बात है राहत के लिए आप लोग आगे आए। शुक्रिया बिंदा हमसे बात करने के लिए। ये थी CPIM की पॉलिट ब्यूरो सदस्य बृंदा करात, और जैसा कि इन्होंने कहा कि जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि अमन और शांति बरकरार होनी चाहिए, और ये पूरा रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम वो और तेज़ी से जोर से चलना चाहिए ताकि सभी पीड़ितों को राहत मिले। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।